वेलकम बैक कॉल मी एंटरटेनमेंट। आई एम सुफियान मकड़ा एस एम डी इन किस्मत गोट फार्म पर आमिर भाई के साथ वंस अगेन। आमिर भाई, इस वीडियो में हम कुछ गेंटे मेंढे दिखा रहे हैं। माशाल्लाह बड़े मेंढे हैं। कौन सी नस्ल में ज्यादा? कच मेंढे, कच काठियावाड़ी। काठियावाड़ी, काठियावाड़ी, ओके। उनको थोड़ा बाहर तरफ निकाल दो। हेलो भाई, क्या वजन की एवरेज रहेगी मेंढों में? 40 से स्टार्टिंग है। 40 केजी से? 40 केजी से स्टार्टिंग है। और बड़े में बड़ा जाएगा 85-90 केजी पर है माशाल्लाह। ओके निजाम, एक सबसे बड़ा वाला मेंढा जो है ना, उसको पकड़ के दिखाना, सबसे हैवी वाला एक। बड़ा उधर निकाल ना, इधर थोड़ा दूर चला जा, कोई बात नहीं, दिखेगा ही। ले बाहर खींचो, खींचो। ओके अमीर, कितना वजन जाएगा इसका? 85 के लगभग। 85, ओके। और कितने दांत पर? नाम कितने दांत पर है? दांत इसके 4 दांत पे तो मैं खुद लाया था। 6 दांत होगा शायद, 2-4-6 दांत हुए। 6 दांत पर, 6 दांत। अमीर भाई, ये क्या वजन पे जाएगा? 450 रुपए के जी। ओके माशाल्लाह, 450 रुपए के जी जाएगा ये। हाँ, और अगर इससे कम वजन में भी रहेगा? कम वजन में, कम से कम 450। नहीं, 400 के रेट में भी मेंढे, 400 का रेट का भी दिखाएंगे। 400 के रेट में ये पहले ये आमिर भाई दिखा देते हैं। माशाल्लाह, उस जगह एक मस्त मेंढा निकाला है, व्हाइट में, काठियावाड़ी में। Okay, इसका वेट भी 80 केजी है। 80 केजी है, और इसका रेट रहेगा 450। ये व्हाइट कोर में है, और माशाल्लाह इसका नर नकोटा भी जबरदस्त है। पिंक स्किन है, बोल पिंक में, पूरा व्हाइट में। माशाल्लाह, ये 450 में जाएगा। ओके, ये कौन सी नस्ल में है? ये काठियावाड़ी में। ओके माशाल्लाह, चलिए। तो ये वाड़ा नंबर जो है हमारा 5वां है ना, ठीक है। हाँ, 5। एक आमिर, सबसे छोटा वाला दिखा दे, ताकि लोगों को एक आइडिया आ जाए कि कम से कम वाला छोटी कुर्बानी वाले क्या साइज में आ जाएगा। नहीं, दादी हो गया? नहीं, दादी नहीं है, लेकिन मेढे का तो मसला नहीं है। 6 महीने तक के ऊपर का होना जरूरी है। 6 महीने तक का? 6 महीने के ऊपर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना वजन होगा इसका? 35 के अबव होगा। 35 के अबव इसका रेट रहेगा 400 रुपये। 400 रुपये, चलिए तो ये अच्छा है। 400 रुपये का इसका रेट है। 35 केजी का राउंड है, तो जिसको 14-15 हज़ार में भी कुर्बानी हो जाएगी। 15 हज़ार में भी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, स्पेशली हम अपने यहाँ पर, कि अभी इंडिया में मतलब 15 हज़ार में कुर्बानी नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, 15 हज़ार में भी कुर्बानी होती है। डिपेंड है कि हम क्या लेना है, हमें क्या चाहिए। ये वाला भी काफ़ी बड़ी साइज में मेंढा है, 80 केजी है वो। 80 केजी, और वो जाएगा हमें 450 रुपये। हाँ, 450 रुपये में ये वाला काफ़ी बड़ी साइज में लेना। इसको पकड़ना, 450 से भी, 450 में शायद 4 दांत हुए इसके भी। 4 दांत में इसकी काफी साइज है, हाइट भी काफी अच्छी है, काफी अच्छी हाइट वाला है माशाल्लाह। 450 रुपए केजी में रहेगा। 80 किलो, 80 में थोड़ा कम है, 80 में कम है। 78 है। ओके आमिर भाई, हमारे पास इसमें कुछ बकरे भी है, देसी बकरे मतलब हमारे सुरती है। हाँ, सुरती बकरे वो नस्ल में है, और बरबरे भी है। बरबरे भी है। निशा भाई, आप जरा आ जाओ, एक अच्छा वाला खस्सी दिखाओ, मस्त खूबसूरत वाला। ये वाला भी एक बहुत खूबसूरत है। अमीर भाई, लोग चाहे आज कितना भी और ब्रीड भी है और कितने भी बकरे आते हैं, लेकिन जो ये देसी बकरों में एक गोश्त खाने में जो एक
मजा जो रहती है, क्योंकि सुजन भाई प्रीफर करते हैं ऐसा है कि जो बंदा ये बकरे काटता है देसी काटता है वो यही बकरे काटता है, वो यही बकरे काटता है, खाते भी यही बकरे जो रहता है। हाँ। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रहता है, हम लोग भी लाते हैं लेकिन हम लोग आंडूल में लेते हैं। तो आमिर भाई ये क्या वजन पे रेट पे जाएगा? 550 रुपए। लेकिन वापस में वो तैयारी में भी नहीं होता, तैयारी में नहीं होता, तैयारी में भी होना जरूरी है तभी। देसी बकरे पे प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपको कहीं भी हड्डी देखने में नहीं मिलता, नहीं नहीं वो तो कहीं भी हड्डी देखने में नहीं मिलती। ये कितना वजन रहेगा इसका? 39 kg। ओके नीजा, वो एक और वाला वो बीफी है, कौन सा? वो फीमेल बकरी, बकरी फीमेल है। ये लो, ये वाइट, ये वाइट वाला भी है। बरबरा कोई सेल में नहीं है? अमर भाई बरबरा है ना, ये बरबरा वाला सेल में, ये वाला बरबरा सेल में है, रेड वाला। हाँ, रेड वाला। तो ये इसका क्या कैडी में? इसका भी यही 550 रुपए। कितना वजन होगा इसका? इसका 28। आमिर भाई तो ये हमारा आखिरी वीडियो है, इसके बाद जैसे जैसे आगे भी और बहुत माल आपका आने वाला है, सारे बकरे आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम दिखाएंगे। अभी के लिए ये सीरीज, ये वीडियो यहाँ पे खत्म करेंगे इंशाल्लाह। और आमिर भाई हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह लोग आए, आपका माल भी इंशाल्लाह लोगों की कुर्बानी हो, लोगों की कुर्बानी कबूल हो। तो वापस से मिलेंगे इंशाल्लाह जैसे ईद का टाइम आएगा। हाँ, इंशाल्लाह। और सुना हूँ आमिर भाई के कुछ एक बहुत बड़ा धमाकेदार भी कुछ लाने वाले हो। हाँ, इंशाल्लाह ईद के टाइम पर आएगा वो धमाका, ईद के टाइम पर आएगा। तो उसके लिए तो स्पेशली हम लोग आएंगे ही वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन वो धमाका क्या है वो अभी मेरे को भी नहीं मालूम है, तो इंशाल्लाह वो ईद के टाइम पर देखेंगे। चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।